मेरे प्यारे दोस्तों, होप यू आर गुड। और आज आपके लिए उतना ही अच्छा सवाल जितने अच्छे आप हो मैं लेके आया हूँ, और बहुत ही पॉपुलर है। एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है आपको? कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन, और नंबर्स आर दीज। ये नंबर्स हैं, दो नंबर्स इसमें, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसलिए नंबर्स लिखा है। तो पहले हम नंबर्स ले लें, तो लेट द नंबर्स बी, जो नंबर्स जिनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिए हैं, तो लेट द नंबर्स बी। नंबर्स क्या मान लें हम? एक्स एंड वाई ले लें, ए भी ले सकते थे, एक्स एंड वाई भी ले सकते थे। नंबर्स एक्स और वाई ले लिए, क्या गिवन है आपको? गिवन है दोस्तों अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है? कैपिटल जी है। अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता है एक्स प्लस वाई बाय टू, इसकी वैल्यू ए है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मालूम है आपको? रूट ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू जी है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू ए, इसको दे दें नंबर वन। इसको क्या लिख सकते हैं आप? एक्स वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर, इसको दे दें नंबर टू। और मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला मैंने आपके इसी तरह के पिछले क्वेश्चन में किसी में बताया हुआ है, और जिसमें रेशियो ऑफ नंबर्स निकालना था 3 + 2√2 और 3 − 2√2, उसमें भी बताया हुआ है। और ये फार्मूला मैं फिर आपको बताता हूँ, x माइनस वाई, अगर ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे। आपके पास दूसरा तरीका भी है, आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ रख दें, वहाँ से निकाल के यहाँ रख दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे भी आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2√xy होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2a होल स्क्वायर। ये यूज करना है फॉर्मूला, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस 2² यानी 4, और रूट एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक्स वाई। अब आप एक्स वाई की भी वैल्यू डाल दें, 4a² माइनस 4, एक्स वाई की वैल्यू देखिए कितनी है? जी स्क्वायर है। इससे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? इससे कॉमन आ जाएगा 4 मतलब 2, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। ये हो गया आपका a² माइनस जी स्क्वायर। क्या है ये? x माइनस वाई। इक्वेशन वन है हमारे पास, 2 है, 3 दे सकते हैं इसको, तो इसका नाम 3 रख दिया। अब बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे आप? 1 + 3 और एक बार 1 − 3। और दोस्तों ये आपको सल्यूशन का आंसर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो भी लिख सकते हैं। देखिए 1 + 3, एक बार 1 और 3 ऐड कर दें, एक बार 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2√a² माइनस जी स्क्वायर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इससे 2 कॉमन ले लें, ये आ गया 2 कैंसिल, चाहें तो इसको वैसे ही लिख दें जैसा चाहते हैं वो, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, फॉर्मूला लगा के कौन सा? a² माइनस बी स्क्वायर का। अब 1 में से 3 माइनस कर दें, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2a, और ये हो जाएगा आपका 2√a² माइनस जी स्क्वायर। अब माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया है आपके पास? 2 कॉमन, a माइनस √a² माइनस जी स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो नंबर्स क्या आ गए आपके पास? इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, a प्लस जी a माइनस जी,
ए प्लस जी ए माइनस जी, ऐसा लिख दीजिए। तो आपके पास नंबर्स क्या हो गए, एक ए प्लस रूट ऑफ दिस और एक ए माइनस रूट ऑफ दिस। तो बस अब फाइनल आंसर लिखना है। देयरफोर नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये था दोस्तों इसका सलूशन। मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि आप अच्छा सीखें और आगे सीखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और बस साथ में बने रहना। ऑल द बेस्ट।